दोस्तों आज हम बात करने वाले एक ऐसे प्लान की जो एक बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी, जिसका साइज़ है 25x50। जी हाँ दोस्तों, आम तौर पर जो लोग प्लाट खरीदते हैं 25x50 के अधिकतर होते हैं। यहाँ पर मैंने जो ये डिज़ाइन किया है, मॉडल आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसका भी साइज़ 25x50 है। विद कार पार्किंग आपको मिलेगा और एक बेहतरीन सा डिज़ाइन है जो मैं आपके सामने आज बताने वाला हूँ। तो बने रहे दोस्तों इस वीडियो में लगातार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप जैसे वीडियो देख रहे होंगे मोबाइल फ़ोन पर, तो आपको ये एक लाइक का बटन मिल जाता है, इस पर लाइक कर दें हमारे वीडियो को। और ये लाल कलर का बटन सब्सक्राइब दिखता है, इस पर क्लिक कर लें और इस घंटे के निशान को भी ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे फ़ायदा ये होगा, जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो आप तक हमारा वीडियो पहुँच जाएगा और आप उसे वॉच कर सकते हैं। तो चलो पूरा डिज़ाइन आज हम डिस्कस कर लेते हैं। इसको ये साइज़ है 25x50 का। तो फ्रंट से अगर हम बात करें सामने से, तो ये मॉडल आपको ऐसा दिखेगा, 3 साइज क्लोज्ड है सामने से फ्रंट में, और ये आपका पूरा मॉडल ऐसा दिखेगा। तो हमेशा के तरीके से, जैसे मैं आपको पहले ट्रांसपेरेंट करके दिखाता हूँ कोई भी मॉडल हो, तो आज फिर से ट्रांसपेरेंट करता हूँ, तो देखिएगा जैसे आप इसे ट्रांसपेरेंट करते हैं तो आपको सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी में दिख जाती हैं, कहाँ पर मैंने क्या डिज़ाइन किया है और क्या नहीं किया। तो ये पूरा मॉडल आपको दिख जाता है 25x50 का विद ट्रांसपेरेंसी में। अब इसकी ट्रांसपेरेंसी रिमूव करने के बाद हम इसको ले आते हैं ओरिजिनल पोजीशन पर और इसको फिर से डिस्कस कर लेते हैं 25x50 के मॉडल को। तो सबसे पहले हम इसको ले चलेंगे ग्राउंड फ्लोर पर। जैसे ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं तो ये देखिएगा, ये ग्राउंड फ्लोर इसका मैंने डिज़ाइन किया है। तो फ्रंट की बात करें सामने से, तो ये आपको डिज़ाइन ऐसा दिखेगा। ये वेंटिलेशन का काम करेंगे, ग्लासेस लगे हैं, ये एक विंडो लगा हुआ है और ये मेन डोर है। जैसे मेन डोर से आप एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको मिल जाता है एक गैलरी टाइप का, इसमें आप कार पार्किंग की व्यवस्था कर सकते हैं। और ये आपका एक गेस्ट रूम मिल जाता है बड़ा सा, क्योंकि 25x50 स्पेस पर्याप्त है घर बनाने के लिए। तो मैंने ये पूरा डिज़ाइन किया, ये एक बड़ा सा गेस्ट रूम ये कार पार्किंग के लिए। जब जैसे आते हैं इस रूम के लिए, बाहर से एक विंडो है, एक यहाँ से विंडो और ये एक डोर भी दिया है। आप इसके माध्यम से यहाँ पर इंटर करेंगे और यहाँ पर इस रूम में आपका ये भी एक डोर दिया, ये देख सकते हो इधर से। जैसे आप यहाँ इंटर करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मिल जाता है ये किचन सेट एक ओपन में, और इसके साइड में आपका ये लेटरिन बाथरूम का पूरा डिटेल, लेटरिन बाथरूम पूरा बना हुआ है। और आपको इसके साइड में एक पीछे सबसे कमरा मिल जाता है, बेडरूम, और 2 बेडरूम ये मिल जाता है। टोटल आपको 4 बेडरूम हैं। ये 2 बेडरूम थोड़े छोटे छोटे हैं लेकिन आपका पर्याप्त है। और ये जो मैंने स्पेस छोड़ा, ये आप इसको स्टोर रूम बना सकते हैं, अन्यथा आप चाहें इसका वेंटिलेशन के लिए ऊपर इस पर झालर रखवा दें, जिससे पीछे वाले जितने भी रूम हैं सब पर प्रॉपर तरीके से रोशनी और हवा आती रहेगी, आप पर डिपेंड करता है। और अन्यथा आप इसको स्टोर रूम भी क्रिएट कर सकते हैं। ये आपका पूरा किचन से, ये आपका किचन हो गया, ये लेटरिन बाथरूम, और ये आपका बेडरूम। चाहे तो आप इसको लेटरिन बाथरूम एक और बना सकते हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे ज़्यादा लेटरिन बाथरूम की ज़रूरत है तो आप उसको लेटरिन बाथरूम भी बना सकते हैं इस कॉर्नर वाले को। ये आपके 2 बेडरूम, एक ये बेडरूम, एक ये गेस्ट रूम जो आपको मिल जाता है। तो ये सबके लिए अलग अलग दिखी। इसके लिए अगर हम बात करें, ये वाला डोर दिया है मैंने, और इस वाले बेडरूम के लिए ये वाला डोर है। ये स्टोर रूम को आपको होके जाना पड़ेगा इस वाले रूम से, और इस रूम के लिए ये डोर और ये एक विंडो दे रखा है जिसमें वेंटिलेशन का प्रॉपर, ये कुछ डिजाइनिंग का पार्ट है दोस्तों, मैंने कुछ डिजाइनिंग की है। तो ये आप देख सकते हो ग्राउंड फ्लोर 25x50 विथ कार पार्किंग। अब हम इसको ले चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर। तो बिल्कुल सेम टू सेम ही दोस्तों, फर्स्ट फ्लोर वही सारा डिज़ाइन मैंने यहाँ क्रिएट किया है, सिर्फ फर्स्ट मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है, उसमें कोई खास बात नहीं है। तो ये पूरा मॉडल वही है, सिर्फ बालकनी 2 से 2.5 फीट बढ़ा दिए, और सेम टू सेम मॉडल आपका रहता है 25x50 में। आप देखिएगा वही पहला बेडरूम, दूसरा, तीसरा और चौथा, वही फिर से आपका ये लेटरिन बाथरूम, ये किचन, अगर आप चाहते हैं यहाँ से हटा सकते हैं तो आपके बड़ा सा हॉल निकल आएगा बैठने के लिए, और ये आपका बालकनी टाइप का बिल्कुल काम करने वाला है। तो बेहतरीन सा लुक और बेहतरीन सा डिज़ाइन 25x50 का। अगर हम लास्ट फ्लोर की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल मैंने कोई डिज़ाइन नहीं किया, सिर्फ जीने को ढक दिया है और ये एक जो गेस्ट रूम है बस उसी को रखा है, बाद बाकी सब आपका कुछ भी नहीं है, और ये बाउंड्री चारों तरफ से कर दी है। तो ये पूरा मॉडल है 25x50 का। अगर दोस्तों आप इसका साइज़ जानना चाहते हैं कि कितने रूम का कितना साइज है और किचन का कितना है, तो उसके लिए हमारी वेबसाइट पर आप विजिट करें जिसका नाम है स्मॉल हाउस प्लान। यहाँ पर आपको देखिए बहुत सारे घर के नक्शे मिल जाते हैं, लगातार आप घर के नक्शे देख सकते हैं, पूरे डिटेल भी देख सकते हैं। और इसको आप परचेज़ करना चाहें तो मात्र 99 रुपीज़ में आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। परचेज़ में आपको मिलेगा इसका पूरा जिप फाइल, जिसमें 2D इमेजेज होंगी,
3D इमेज होंगी, पूरा प्रॉपर तरीके से कहाँ पर किचन उसका विथ साइज के साथ आपको मिल जाता है। अगर ये वाला प्लान आप परचेज करना चाहते हैं जो मैं बता रहा हूँ, तो ये भी वेबसाइट पर अवेलेबल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं मात्र 99 रुपीज़ में। तो ये पूरा मॉडल कैसा लगा कमेंट करके बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, और अगर आप स्मॉल हाउस प्लान पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ स्मॉल हाउस प्लान को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।